तो है दिस ऋषि के शर्मा, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस एनक्यूटी के बारे में। जी हाँ, जो टीसीएस एनक्यूटी अभी जो मई में एग्जाम हुआ था, तो कुछ स्टूडेंट उसको उनको नोटिफिकेशन नहीं मिला था, तो वो एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो टीसीएस ने इस बार फिर से अगस्त और नवंबर वेरियंट का एक एग्जाम निकाला है, तो उसके बारे में हम पूरा प्रोसेस जानेंगे कि कैसे हम टीसीएस एनक्यूटी को फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम टीसीएस एनक्यूटी का वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। टीसीएस एनक्यूटी देन फर्स्ट वाला जो लिंक रहेगा उसी को क्लिक करने के बाद आप टीसीएस के ऑफिशियल पेज पे चले जाएंगे। तो ये आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा टीसीएस एनक्यूटी नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, और नीचे भी आपको दिख रहा होगा अप्लाई नाउ, एप्लीकेशन ओपन फॉर अगस्त 2021 एंड नवंबर 2021 एग्जाम। सो जो स्टूडेंट मई वेरियंट का एग्जाम नहीं दे पाए थे, उनको नोटिफिकेशन नहीं मिला था कि उसका डेट ही बहुत जल्दी क्लोज हो गया था, तो इस एग्जाम को भी दे सकते हैं और अपना इंटरव्यू का चांस ग्रैब कर सकते हैं टीसीएस एनक्यूटी में, या फिर इसके इस एग्जाम के थ्रू किसी दूसरे कंपनी में कर सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम एमकेट और कुकपिक्स की तरह ही होता है। अगर आप 75% से ऊपर या फिर 70% से ऊपर मार्क्स लेकर आते हैं टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम में, तो इस सर्टिफिकेट से बहुत सारे कंपनी टाई अप रहते हैं, तो वो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं और आपको ईमेल सेंड करते हैं। तो मैं अभी आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे टीसीएस एनक्यूटी में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, देन आपको एक वेरिएंट दिखाएंगे टीसीएस एनक्यूटी, और यहाँ पे इंडस्ट्रीज एनक्यूटी और सब्जेक्ट एनक्यूटी। तो आपको जो एनक्यूटी का जो ऑप्शन है इसी पे आपको फॉर्म भरना है और इसी का आपको एग्जाम देना है। यहाँ आपको यहाँ दिख रहा होगा एनक्यूटी कॉग्निटिव स्किल और दूसरा एटीट्यूडनल अलाइनमेंट एनक्यूटी साइकोमेट्रिक टेस्ट, तो ये एग्जाम आपको देना है। और यहाँ ऊपर आपको हेडिंग दिख रही होगी एक्सेस परफॉर्मेंस बाय टेस्टिंग द वर्बल न्यूमेरिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो आपको जो एग्जाम होगा उसमें जो आपको चांसेस मिलेंगे दूसरी कंपनी से इंटरव्यू के, तो आपको इसमें वर्बल एग्जाम भी देना है, न्यूमेरिकल भी देना है एंड रीजनिंग एबिलिटी के भी एग्जाम। तो आपको ये एनक्यूटी कॉग्निटिव स्किल और एटीट्यूड अलाइनमेंट एनक्यूटी का एग्जाम आपको खरीदना पड़ेगा। इसी से आप फॉर्म भी भर लेंगे और आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें तीनों जितने भी फॉर्म खरीदेंगे आप, हम जितने भी फॉर्म भरेंगे उतने का एडमिट कार्ड आएगा और उसका एग्जाम हम दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको बाय ऑन के ऑप्शन पे जाते हैं, बाय नाउ। देन आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लॉगिन कर देता हूँ। आप अपने आईडी से भी इसको लॉगिन कर सकते हैं और डायरेक्ट टीसीएस एनक्यूटी क्वालिफायर टेस्ट के पेज पे जा सकते हैं और डायरेक्ट परचेस खरीद के अपना कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा जो आईडी है वो लॉगिन हो गया है। देन यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। देन अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के साथ ही ये डायरेक्ट आपको जो वहाँ फॉर्म भरना है, जो आपको परचेस करना है, वहीं पे आपको डायरेक्ट लेकर जाएगा और वो वाला इंटरफेस ओपन कर देगा। तो यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका जो डिटेल है वो फिर डिटेल सबमिशन मांगेगा और फिर पेमेंट प्रोसीड का ऑप्शन देगा। तो जैसे ही आप पेमेंट प्रोसीड करेंगे तो उसके बाद जो डायरेक्ट आपका एक फॉर्म फिलअप हो जाएगा, आपको मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल पे भी एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है इसको हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन में आप पर्सनल डिटेल मांगे हैं, आप फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने इसके पहले भी कोई एग्जाम दिया तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाते हैं। देन आपको एग्जाम डेट सिलेक्ट करना है कि आप अगस्त का देना चाहते हैं या फिर नवंबर का। देन आपको ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऑनलाइन देंगे या फिर घर से बैठ के देंगे अपने पीसी पे या डेस्कटॉप पे देंगे, या फिर आपको सेंटर में जाके एग्जाम देना है तो वो भी आप यूज़र से आप भरवा सकते हैं या फिर यूज़र आप खुद भी डाल सकते हैं। देन आपको सिंपली ये करने के बाद सबमिट करना है। आप इसके बाद जब करेंगे आप तो इसको पेमेंट का ऑप्शन देगा, तो आपको सिंपली पेमेंट करना है। मैं इसलिए नहीं भर रहा, मैंने जो मई वेरियंट का है उसका एग्जाम दिया है तो उसका स्कोर का मैं अभी वेट कर रहा हूँ। उसके बाद देखता हूँ कि कैसा मेरा स्कोर आता है, उसके बाद डायरेक्टली मैं भी इस फॉर्म को फिलअप करूँगा। तो इस बार दो चांस मिल रहे हैं, अगर आपने मई का भी दिया है और आपको पहले से लग रहा है कि मेरा क्लियर नहीं होगा तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं अभी से। इसमें क्या है, लिमिटेड सीट रहती है, कि जब टीसीएस के एक लिमिटेड सीट सेंटर पे या फिर ऑनलाइन प्रोटेक्टर पे जब फिल हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इसका डेट कम कर सकता है, या फिर पिछली बार मई में भी उसने क्या किया था, डेट कम कर दिया था, 20 अप्रैल लास्ट डेट किया था उसने। नहीं तो पहले 31 मई तक था, वो जून में करवाने वाला था, लेकिन जो फिर सीट उसकी फिल हो गई तो उसने डेट कम करवा दिया। तो अगर आपको डाउट है कि मेरा मई का एग्जाम क्लियर नहीं होगा या फिर आपने नहीं फिल किया है, तो आप इस
फॉर्म को भर सकते हैं और अपना एग्जाम डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, अगस्त या फिर नवंबर। अगर आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है या फिर आप दो बार एग्जाम देना चाहते हैं कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा कुछ सीखना चाहते हैं कि कैसे TCS का पैटर्न आता है, इसके पहले अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है उससे सीख के आप नवंबर का वेरिएंट का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, तो आप अगस्त का भी दे सकते हैं या फिर नवंबर का भी दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में किसी भी इंटर्नशिप या फिर कोई भी क्वालिफायर एग्जाम, कोई प्लेसमेंट टाइप एग्जाम की नोटिफिकेशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे।